में आप सबको तिगंत प्रकरण के अंतर्गत आज सार्वधातुक विभक्तियों में सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय लाकर रूप बना रहे हैं। ये जैन व्याकरण में सर्वप्रथम परस्मै पद की धातु लेकर आते हैं, उसके वर्तमाना में रूप चलाए, फिर आत्मनेपद पद की धातु लेकर आए, उसके वर्तमाना में रूप चलाए, फिर उभयपदी धातु लेकर आए, उसके वर्तमाना में रूप चलाए। अब सप्तमी विभक्ति में तीनों विभक्तियों के रूप चलाएंगे। पहले भू धातु, भू धातु का अर्थ है होना। एद धातु आत्मनेपदी है, उसका अर्थ है बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। और पच धातु उभयपति है, उसका अर्थ है पकाना। अब क्या पकाना? तो भोजन पकाना, व्याकरण पचाना इत्यादि। तो यहाँ पर अब भू धातु से सप्तमी विभक्ति में प्रयोग सिद्ध करते हैं। यद्यपि आप सबको पता है कि किस प्रकार से सप्तमी विभक्ति में रूप सिद्ध किए जाते हैं, फिर भी आपकी सुविधा अनुसार आपको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से व्यक्त करना है, सरल तरीके से आपके बीच में रखे जा रहे हैं। भू धातु से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में यात विभक्ति अथवा प्रत्यय आने पर भू धन यात, यहाँ पर अनविकरणा कर्तरी, ये पहला सूत्र है जिसके माध्यम से आपको अनविकरण करना है। अनविकरण करने पर धातु और प्रत्यय के बीच में अनविकरण हुआ, नाका अनुबंध हो गया। नाका अनुबंध होने पर भू आ यात सरल करने के हिसाब से अनतिक्रमण विश्लेषित, अर्थात भू धातु में रहने वाला उ उसको निकाल के हमने बाहर रख लिया, भा उ आ यात अनिच विकरणे, अनविकरण के परे होने पर नाम्यंत धातु के लिए गुण होता है। यहाँ पर नाम्यंत के रूप में दीर्घ उकारांत शब्द है, उस उकारांत के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा। बहुत से लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं ओवरणे ओ, कभी बोल देते हैं ओकारे औकारे चे इत्यादि, जल्दी जल्दी में याद कुछ भी कर लेते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अनिच विकरणे से जो ऊ है उस ऊ को ओ करना है, और ऊ के स्थान पर ओ हो जाने पर भा ओ आ यात। अब ओ अव जो सूत्र है 50 नंबर का, उससे इस ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। अव आदेश हो जाने के बाद में भा अव आ यात, इतनी स्थिति होने के बाद में नया सूत्र आता है या शब्दस्य च सप्तम्याः। ये सूत्र जो सप्तमी विभक्ति के यात आदि सात प्रत्यय हैं, यात याताम यास यातम यात याव याम, इन सात में रहने वाला जो या है प्रारंभ में, उस या के स्थान पर
ई करता है। अब ये सूत्र क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सूत्र जब ही करता है जब इसके पहले अकार हो, याद के पहले अकार हो, जब ही ये या के स्थान पर ई आदेश करता है। तो यहाँ पर जो अन्य विकरण कर्तरी सूत्र से आपने अन्य विकरण किया था वो अकार यहाँ पर है, और अकार होने के कारण या के स्थान पर, पूरे याद के या के स्थान पर अपने को ई छोटी करना है। अब ई आदेश किए जाने पर अब हमारे पास में स्थिति है भा, अब आ, ई और ता। अब आ के सामने ई है तो अवर्ण इवर्णे ए, यह 27 नंबर का सूत्र हमारे सामने आता है, और जो अन का आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और सामने रहने वाली जो ई है जो या के स्थान पर ई आदेश हुआ था उसका लोप हो जाएगा, और अब परस्पर में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत सूत्र के माध्यम से सभी शब्दों को जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा भवेत। अब हमें आगे के रूप चलाने के लिए ज्यादा माथा फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब में या बैठा हुआ है। अब हम द्विवचन में भू धातु से या ताम प्रत्यय लेकर आने पर या के स्थान पर ई आदेश तक कार्य कर लें, जिसको हम रेडीमेड का बोलते हैं, तो उसको अनविकरण किया, गुण किया, ओ अब किया, या के स्थान पर ई किया, और अवर्ण वर्ण ए, ये सब कुछ करने के बाद में जो याताम का अब बचा हुआ है इताम, और अवर्ण वर्ण ओ जाने पर बनेगा भवेताम। अब युस विभक्ति आई है, युस विभक्ति के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है भू धन युस। भू धन युस अन विकरण कर्तरी अनिच विकरणे से गुण ओ अव से अव आदेश करने पर भा अव आ युष, ये हमारे सामने स्थिति है। अब सूत्र लगता है याम युसो रियम युसो। ये सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब इस सूत्र का प्रयोग हम करवाते हैं तो हमारे विद्यार्थी सोचते हैं कि याम के स्थान पर यम आदेश हुआ है तो वो उत्तम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन दोनों को ग्रहण कर लेता है, पर अपनी आंखों पर वो चश्मा नहीं लगाता है, लगे हुए चश्मे को भी उतार के बाहर रख देता है। सूत्र में लिखा हुआ है याम, ये माँ हलंत है, और माँ हलंत केवल उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, और उत्तम पुरुष का जो बहुवचन होता है उसमें रहने वाला जो माँ है वह पूरा होता है। तो इतना तो अपने चश्मे का प्रयोग हमें करना चाहिए कि सूत्र में यहाँ पर याम जो लिखा हुआ है वो हलंत है। अगर यहाँ पर हलंत है तो हमें भी हलंत वाला जो उत्तम पुरुष का एक वचन वाला याम है उसी याम को ग्रहण करना है। बहुवचन में रहने वाला याम जो माँ पूरा है उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं करना। तो सूत्र कहता है याम युसो रियम्यूसौ। यहाँ पर म्यूसौ ये द्विवचन है, और याम युसो हो ये भी द्विवचन है, ये सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है कि याम और युस इनके होने पर, सप्तमी विभक्ति याम और युस इन दोनों के होने पर क्रम से आदेश होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर याम लिखा है तो याम लिखा है तो सबसे पहले याम के स्थान पर हम यम आदेश करेंगे, और दूसरे नंबर पर लिखा है युस तो हम उसके स्थान पर युस आदेश करेंगे। अब आप ये प्रश्न करेंगे
के पहले युस आया है, फिर युस के बाद में याम आया है, तो पहले युस का नाम रखते फिर उसके बाद में याम का नाम रखते तो हम रख सकते थे, लेकिन बाद में जो याम है उसको बाद में रखते तो फिर ये निर्णय नहीं हो पाता कि ये याम बहुवचन वाला है कि एक वचन वाला है। जब एक वचन का स्पष्ट प्रयोग किया गया है उस समय आपके चश्मे का नंबर परिवर्तित हो जाता है, तो लास्ट में इसका प्रयोग करते तब तो आपको नजर ही नहीं आता, क्योंकि तो चाहे हलंत होता तो भी युसोव बनता माने कि यामोव बनता, और पूरा होता तो भी क्योंकि हलंत है तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं लगता, और आकार सहित मानते तो ओकारे औकारे च लग जाता। इसलिए आप लोगों की सुविधा अनुसार कि आप लोग भ्रमित ना हो जाएं, आप लोग रास्ता ना भटक जाएं, अपने चश्मे का सही सदुपयोग करें, इसलिए युस के पहले याम को इसलिए रखा कि आपको स्पष्ट दिखे कि याम यहाँ पर हलंत है। तो याम और युसो, तो याम के स्थान पर यम आदेश होता है और युस के स्थान पर युस आदेश होता है, तो यहाँ पर युस के स्थान पर युस यानी कि आदेश किया जा रहा है कि युस के स्थान पर युस आदेश हो गया। कहने को ये समझ लीजिए कि युस के पहले एक छोटी ई की मात्रा और लग गई, पर आदेश हमको ध्यान रखना है कि युस के स्थान पर युस आदेश करना है, और यहाँ पर युस आदेश हो गया और बाकी सब काम पहले से हमारे पास तैयार है। अन्न विकरण हमने कर ही दिया है, गुण हमने कर दिया है, वो अब हमने कर दिया है, भा अब आ और अब हो गया ईयुष। फिर यहाँ पर आ के सामने ई है, अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे, फिर उसके बाद में युष में रहने वाला जो सा है उसको रसकार योर विश्रष्टा सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत से जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा भवे युहु। उसके बाद में यास प्रत्यय के लाने पर पूर्व की तरह पूरे काम करके भवे बनाकर सा को विसर कर देंगे रसकार्यो विश्रष्टा से तो बन जाएगा भवे हे। फिर द्विवचन में यातम प्रत्यय आने पर बनेगा भवेतम, फिर यात पर आने पर बनेगा भवेत, और अब यहाँ पर याम विभक्ति आई है। याम माने उत्तम पुरुष का एक वचन, जिसके स्थान पर 605 नंबर का सूत्र लगना है कि याम के स्थान पर यम आदेश होता है। अब याम के स्थान पर यम आदेश हो गया, बाकी के सभी काम हमने पूर्व के समान कर रखे हैं, तो उन कार्यों के करने पर अन विकरणा कर्तरे अनीचा विकरणे ओ अव और अवर्ण इवर्णे ए ये सभी काम करने पर शब्द बन जाता है भवे यम। द्विवचन में 604 नंबर का सूत्र लगेगा भवे, और याम विभक्ति के आने पर भवेम ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब इस धातु का जब हम भाववाच्य में प्रयोग करेंगे तो भाववाच्य के प्रयोग करने में आत्मनेपद की विभक्तियां आती हैं। अब आत्मनेपद की विभक्ति के आने पर उसके पूर्व हम एक बार पूरे के पूरे रूप भू धातु के आपके बीच में चलाकर दिखाते हैं। भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। अब हम भाववाच्य में बनाते हैं। भाववाच्य में आपको ध्यान रखना है कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में अन विकरण नहीं होता है, यहाँ पर केवल सार्व धातु के यण इस प्रकरण के पूर्व के आपको सभी हमारे रिकॉर्डिंग
अच्छे से सुन लेना चाहिए। इसके पूर्व जो भी निकले हुए हैं संस्करण उनको अच्छे से सुनकर हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि भाववाच और कर्मवाच क्या कहलाता है। तो यहाँ पर भाववाच में सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण किया और यण में णा अनुबंध है तो णा का अनुबंध होने के कारण हमारे सामने स्थिति है भू धन ईत। आत्मनेपद का सप्तमी में ईत विभक्ति लेकर आए हैं भू धन ईत और यहाँ पर सार्व धातु के यण उस सूत्र से यण विकरण किया और णा का अनुबंध कर दिया। अब णा का अनुबंध किए जाने पर भू धन या धन ईत जो या है उसमें अकार है और या में अकार होने के कारण अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से आ के स्थान पर ई हो जाएगा ए हो जाएगा और ईत का जो ई है उसका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा भूयेत। अब कर्मवाच में हमने अनु उपसर्ग पूर्वक धातु को सकर्मक बना लिया और सकर्मक बनाने के कारण अनु भू धन ईत यही काम पर होगा। अनु उपसर्ग पहले जुड़ा हुआ है और सप्तमी में ईत विभक्ति लेकर आए हैं सार्व धातु के यण उससे यण विकरण किया और यण विकरण करने के बाद अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से गुण हो गया तो बनेगा अनुभूयेत। अब इसके पूरे रूप हम बनाते चले जाएंगे अनुभू धन ईयाताम सार्व धातु के यण यण विकरण किया और ई है तो ई उसमें जुड़ जाएगी अवर्ण इवर्ण ए तो अनुभूये या ताम। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि यण विकरण के होने पर अनुभूये भूये जो हमने पहला रूप बनाया था उसमें आपको पुनः याद दिला दें भू धन ईत यहाँ पर सार्व धातु के यण से यण विकरण किया ना का अनुबंध कर दिया भू धन या धन ईत यहाँ पर नाम्यंतयोर धातु विकरणयोर गुणाहा नाम्यंतयोर धातु विकरणयोर गुणाहा इस सूत्र से गुण की प्राप्ति है परंतु यण विकरण में ना का अनुबंध हुआ है ना का अनुबंध होने के कारण न नकारानुबंध चक्रिय तयोहु ये सूत्र पूर्व में आया था उससे गुण का निषेध हो जाता है। वो कहता है कि जिन शब्दों में जिन प्रत्ययों में णा का अनुबंध हुआ हो उनका और चक्रियत एक प्रकरण है एक अध्याय है वो होने पर धातु को गुण नहीं होता है तो यहाँ पर णा का अनुबंध हुआ है इस कारण से गुण नहीं हुआ ये अपने को ध्यान रखना है। तो गुण का निषेध होने पर ईया ताम प्रत्यय था तो भूयेत बन गया अनुभूयेत ऐसा का ऐसा ही है और अनुभूये या ताम। अब ई रन आएगा अवर्ण वर्ण ए कर देंगे अनुभूये रन फिर पूरे के पूरे रूप बना लीजिए ई थास प्रत्यय आएगा अनुभूये था अनुभूये या थाम अनुभूये ध्वम अनुभूय अनुभूये अनुभूया बही अनुभूया अनुभूये बही अनुभूये मही ऐसे पूरे रूप चला लीजिए। अब उसके बाद में एद धातु आती है एदे एदंग वृद्धो तो एदंग वृद्धो धातु जो है उससे आत्मने पद के ही प्रत्यय आते हैं और आत्मने पद के प्रत्यय ईत आया और यहाँ पर अन्य विकरणा कर्तरी ध्यान रखना कर्तरी वाच्य में अन्य विकरण होता है भाव वाच्य और कर्म वाच्य में यण विकरण होता है। जो लोग हमारे पूर्व की दो तीन कक्षाओं में नहीं आए हैं उनको हमारी पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेना चाहिए और यहाँ पर
एद धातु से ईत प्रत्यय अनविकरण कर्तरी, ये कर्तरी वाच का प्रयोग है। एद धन अन ना का अनुबंध आ और ईत अवर्ण एवर्ण ए तो बन जाएगा एधेत। अब बाकी के सभी रूप इसलिए सरल हैं कि इन सभी विभक्तियों में प्रारंभ में ई है, ईत ईया ताम ईरन इत्यादि। तो जो विभक्तियां है केवल अवर्ण एवर्ण ए अर्थात अन विकरणा कर्तरी और अवर्ण एवर्ण ए, ये दोनों सूत्र लगाकर आपको प्रयोग बनाना है। एधेत एधेयाताम एधेरन एधेथा एधेयाथाम एधेध्वाम एधेध्वाम एधे एधे वही एधे मही। अब भाववाच में क्या करेंगे, भाववाच में ईत प्रत्यय लेकर आएंगे और सार्व धातु के यण, सार्व धातु के यण करेंगे और यण में से या बचेगा और एद धन या धन ईत या पर अवर्ण वर्ण ए हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा एद जेत। अब पच धातु हमारी आती है, पच धातु उभयपदी है, पच धातु उभयपदी है तो उभयपदी में पहले प्रथमे पद में प्रयोग सिद्ध करेंगे यात याताम यूस, ये प्रत्यय लेकर आएंगे और या शब्द से चा सप्तम्यः इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और याम यूसो रियम यूसौ, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग याम यूसो रियम यूसौ, ये केवल यूस और यम के याम के स्थान पर आदेश करेगा और या शब्द से चा सप्तम्यः शेष बची जो सात विभक्तियां हैं उनके स्थान पर कार्य करेगा। तो ये अपने को ध्यान रखते हुए पच धातु से यात लाए अनविकरण किया, या के स्थान पर ई आदेश किया, अवर्ण वर्ण ए किया और व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत से सूत्र से शब्द की सिद्धि करेंगे पचेत। अब इनके पूरे प्रयोग को सिद्ध कर लीजिए, पचेत पचेताम पचेयुहु पचे पचेतम पचेत पचेयम पचेव पचेम। अब आत्मनिपद में ईत प्रत्यय लेकर आएंगे। अब ये आत्मनिपद और परस्मै पद में इतना ध्यान रखना कि परस्मै पद में ता हलंत रहता है और आत्मनिपद का ता पूरा रहता है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है पहले वाले में। बाकी के रूप सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग विभक्तियां रहती हैं तो बाकी के रूप तो पहचान में आ जाएंगे, लेकिन परस्मै पद और आत्मने पद का जो पहला प्रयोग है उसको कैसे पहचाने, तो पहले वाला हलंत रहेगा और दूसरा वाला पूरा रहेगा। तो यहाँ पर आत्मने पद में प्रयोग करते हैं पचेत पचे या ताम पचे रन पचे था पचे या थाम पचे ध्वम पचे पचे वही पचे मही। अब पच धातु का भी, यद्यपि पच धातु सकर्मक है लेकिन पीछे परिभाषा आई थी अविवक्षित हो कर्म को भी कर्म कहा, अविवक्षित कर्म हो तो वह धातु भी अकर्मक हो जाती है। तो अकर्मक हो जाने पर पच धातु से ईत प्रत्यय लेकर आएंगे, सार्व धातु के यण से यण करेंगे, णा का अनुबंध करेंगे, अवर्ण वर्ण ए करेंगे, पचेत केवल एक वचन ही बनता है, ध्यान रखना भाव वाच में नौ नहीं बनाना है, ये विशेष ध्यान रखना। भाव वाच में वर्तमाना का केवल एक वचन में ही रूप बनाना। कभी हम आपसे पूछें या कोई आपसे पूछे कि भाव वाच में आप इस धातु के रूप चलाइए, तो आपको सब कुछ याद होते हुए आप एक वचन में तो चला देना, लेकिन द्विवचन और बहुवचन में कभी चलाकर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित मत करना, इससे आपकी और आपके गुरु का अस्तित्व
पता पड़ जाएगा कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तारीफें होंगी आपके गुरु जी की। तो यहाँ पर पच्चेत बन जाएगा। अब कर्म वाच में इसी प्रकार से काम करना है और यण लाना है, अन की जगह यण रहेगा, यण में भी या है, इसलिए अवर्ण अवर्ण ए हो जाएगा। पच्चेत पच्चे या ताम पच्चे रन पच्चे था पच्चे या थाम पच्चे ध्वम पच्चे पच्चे वही पच्चे मही। इस प्रकार से हमने सप्तमी विभक्ति में भू धातु के रूप चलाए, परस्मे पद में एत धातु के रूप चलाए आत्मने पद में, और पच धातु के रूप परस्मे पद और आत्मने पद दोनों में चलाए, और सभी धातुओं का प्रयोग भाववाच और कर्मवाच में सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत हमने किया है। अब इसके बाद में आएगी पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग कब करना, तो ये कल थोड़ा सा संकेत आप में आपको दे दिया था कि विधि आदिसु विद्यादिसु सप्तमी च। विधि आदि अर्थों में सप्तमी का प्रयोग होता है और पंचमी का प्रयोग होता है, तो उन अर्थों में पंचमी का प्रयोग होगा और आगे आने वाला जो सूत्र है उस अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग होगा। तो आज सप्तमी विभक्ति की चर्चा करके हम इस सत्र के से को विराम लेते हैं, और अगले सत्र में हम आपको मिलेंगे पंचमी विभक्ति के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन।